नमस्कार, मैं आनंद वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के बीच में इस वीडियो में हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि शरदकालीन गन्ने की बुआई हमको कब और कैसे करनी है और उसके लिए हमको खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है जिससे हमारा गन्ना लाल सड़न रोग से प्रभावित ना हो। तो आप लोगों को बता दें कि शरदकालीन गन्ने की बुआई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक हम शरदकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। जो शरदकालीन गन्ने की बुआई हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करते हैं वह हमारा गन्ना वही 10 से 14 माह में तैयार हो जाता है और वह पिराई लायक हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी हम लोगों को किस प्रकार से करनी। खेत की तैयारी के लिए हमें भूमि की गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद हमें सबसे पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाल लेनी है, उसमें आपको ट्राइकोडर्मा मिलाकर उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग जब अंतिम जुताई करते हैं उसके साथ आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अपनी खेत पर देना है। अब हम बीज चयन को लेकर बात करते हैं। बीज चयन करने से पहले हम लोगों को देखना है जो वैरायटी हम लोग चयन करने जा रहे हैं वो लाल सड़न रोग से रहित होनी चाहिए, जैसे CO0118, CO15023, LK14201, LK11203, इस प्रकार की वैरायटियों का चयन करना है। बीज चयन करने के बाद हम बीज को बुआई करने के लिए बीज को उपचारित करके हमें अपने खेत में अब बीज को बोना है। बीज को बोने के लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को लेना है, उसको हेक्जा स्टॉप या इमिडाक्लोरोपिड के घोल में 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद अपने खेत में उसकी बुआई करें। ऐसा करने से हमें जो उसमें फंगस आदि प्रकार के रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा बीज सुरक्षित रहता है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेंच विथ का प्रयोग करना चाहिए। विशेष सावधानी यह रखनी है कि हम लोगों को बुआई के तुरंत बाद पट्टा नहीं लगाना है, यानी कि हम लोगों को ठोस पट्टा नहीं लगाना, यानी कि फावड़े के द्वारा हल्की मिट्टी गिरा सकते हैं या फिर अपने आस पड़ोस बैलों के द्वारा, मैंने बैल के द्वारा हल्का सा जो हल्का पट्टा उसका होता है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा अंकुरण अच्छा होता है। अगर हम लोग ट्रैक्टर से पट्टा लगाते हैं वो काफ़ी भारी भरकम होता है और उससे जो मिट्टी एकदम से ठोस हो जाती है, जो हमारे जमाव लेता है गन्ना वो धीरे धीरे निकलता है, उसको टाइम भी काफ़ी लेता है और कुछ उसमें नष्ट हो जाता है निकलते निकलते। इसलिए हम लोगों को पट्टा का कम से कम प्रयोग करना है। इस हो सके तो अपना फावड़े से हल्की मिट्टी गिरवा के उसको टुकवा सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।